हेलो फ्रेंड्स, तो हम 12th बायो का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किया था, उसी के आगे पार्ट हम शुरू करेंगे। तो एक क्वोट यहाँ पे मैंने आज लिखा है, वो देखिएगा, आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। मैं सक्सेस के लिए सपने नहीं देखता, मैं इसके लिए हार्डवर्क करता हूँ। ये हमें सभी को करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सक्सेस सपनों से नहीं मिलती, सक्सेस क्या आती है, वर्क करने से मिलती है। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज हमने दो तीन टॉपिक इसके अंदर अलग अलग स्टडी करने हैं, और फर्स्ट तो इसके अंदर लास्ट टाइम पढ़ा था, अलग अलग जो स्टेजेस पढ़ी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की, उन्हीं के अंदर हम आगे पढ़ रहे हैं। जो बताया था अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें कुछ इवेंट्स जो होते हैं, तीन इवेंट्स आपको बताए थे, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स फर्स्ट कौन सा होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, इवेंट सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन, थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट की फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें गैमीट की फॉर्मेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होना होता है। यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस जितने भी होते हैं वो सारे किसके अंदर होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, जिनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर हम आज हम स्टडी कर रहे हैं जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होती है। तो गैमीट फॉर्मेशन को जनरली हम क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स टू टाइप के होते हैं, मेल गैमीट एंड सेकेंड वन इज फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो जल्दी जो ह्यूमन की बात करें, स्पर्म है, फिर इसमें क्या होता है, ओम होता है या एक्सेल होती है, ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब गैमीट अपनी मॉर्फोलॉजी के बेस पे दो टाइप के हो सकते हैं, या साइज और मॉर्फोलॉजी के बेस पे दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो होते हैं होमोगैमीट्स, एक क्या होते हैं, हेट्रोगैमीट्स, होमोगैमीट्स एंड हेट्रोगैमीट्स। एक कैलिडोफोरा एल्गा है, उसके गैमीट इस प्रकार से आपको दिखेंगे, कैलिडोफोरा जो एल्गा होती है इसके अंदर गैमीट्स आपको सिमिलर टाइप के दिखेंगे, सिमिलर साइज, मॉर्फोलॉजी सिमिलर होगी इनकी। तो इस प्रकार के गैमीट्स को क्या बोलते हैं, होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स। सिमिलर साइज वालों को क्या बोल सकते हैं, आइसोगैमीट्स, एक जैसे दिख रहे हैं होमोगैमीट्स ये होते हैं। 11th बायो में हमने जब थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम का पढ़ा था तो भी इनके बारे में स्टडी किया था। आप उसके और एग्जांपल वहां पे भी बुक्स के अंदर, 11th बायो की बुक उठाना, थर्ड चैप्टर निकालना, वहां पे आपको बहुत सारे एग्जांपल इनके मिलेंगे। दूसरा क्या है, हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट में जिनका साइज सिमिलर नहीं होता, मॉर्फोलॉजी सिमिलर नहीं होती, जैसे कि फ्यूकस एक एल्गा है, फ्यूकस में फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होता है, मेल गैमीट बिल्कुल ही छोटा सा होता है, तो ये क्या है, हेट्रोगैमीट का। या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फीमेल गैमीट का जो साइज है, जो शेप होती है, उस प्रकार की होती है। मेल गैमीट थोड़ा देखें जिस प्रकार का होता है, मैं रफली बना रहा हूं यहाँ पे,
तो इस प्रकार के गैमेट्स उनको क्या बोलते हैं, हेटरोगैमेट्स। तो गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट अपना इसके अंदर क्या है, गैमेटोजेनेसिस। अब हम देखिएगा गैमेट्स जो देखते हो आप, या गैमेट्स के बेस पे या रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेस पे ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने सुना हुआ है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, मोनोसियस, डायोसियस, हर्मेप्रोडाइट्स। उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो टॉपिक हम आज इसके अंदर कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम दे रहे हैं सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, यूनि सेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। अच्छे से याद रखना आप इसको, यूनिसेक्सुअल कौन से है, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव। जैसे ह्यूमन की बात करें, जनरली ह्यूमन क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो या तो मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट है या फीमेल प्रेजेंट है। और बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल भी उसी में प्रेजेंट है और फीमेल भी उसी में प्रेजेंट है, उनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब आपने प्लांट के केस में एक और टर्म सुनी होगी, प्लांट की बात करें तो होमोथेलिक एंड हेट्रोथेलिक, हेट्रोथेलिक या मैं लिख रहा हूं होमोथेलिक, होमोथेलिक, थेलिक इज रिलेटेड टू द थेलिक। एक ही थेलिक में दोनों जो बॉडी के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, होमोथेलिक। और एक में प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। इसलिए बाइसेक्सुअल जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोथेलिक को बोल सकते हैं। और हेट्रोथेलिक जिसमें एक थैलस के अंदर, एक बॉडी के अंदर एक ही प्रेजेंट है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, मेल अलग में है, फीमेल अलग में, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, हेट्रोथेलिक। और एक और टर्म यहां पे यूज होती है, डायोसियस एंड मोनोसियस। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डायोसियस भी बोला जाता है, और इनको क्या बोलते हैं, मोनोसियस। अब यहाँ पे मोनो और डाई और यूनि और बाई में कंफ्यूज नहीं होना, सीएस का मतलब होता है सेक्स। मोनोसियस जो होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म कंटेन, एक बॉडी कंटेन कर रही है दोनों सेक्सेस, वो क्या है, बाइसेक्सुअल, होमोथेलिक या मोनोसियस। और अलग अलग में प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, डायोसियस, हेट्रोथेलिक और यूनिसेक्सुअल। प्लांट में अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल होते हैं पपैया, डेट पाम, इधर कुकरबीट एंड कोकोनट, ये एग्जाम्पल आप इनके आप देख सकते हैं। तो कौन से, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट के केस में आपने एक और चीज देखी, एग्जाम्पल याद रखने के, प्लांट के केस में आपने एक चीज और याद रखनी है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट की बात करें तो प्लांट यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ये भी याद रखना स्टूडेंट्स का। प्लांट जो है उसके अंदर जो फ्लावर है वो भी यूनिसेक्सुअल हो सकता है और बाइसेक्सुअल हो सकता है। प्लांट में फ्लावर, मेल फ्लावर अलग हो सकता है, फीमेल फ्लावर अलग हो सकता है, और सेम भी में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। मान लो कोई जो एक फ्लावर है जिसमें ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट, और जो सिर्फ फीमेल वाला प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्टेमन प्रेजेंट है। और स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब एक फ्लावर में ओनली वन प्रेजेंट है, कौन सा, मेल, उसको स्टेमिनेट बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ ये। और पिस्टिलेट जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, पिस्टिल कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये कौन सा है,
पिस्टिले ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं और दोनों एक में ही प्रेजेंट है तो वो फ्लावर क्या हो गया बाइसेक्सुअल, ये भी आपको याद रखना है। और ये सेक्सुअलिटी एनिमल के अंदर भी आप देख सकते हो, एनिमल में भी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं, बाइसेक्सुअल एंड आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल एक में ही प्रेजेंट है, ये आपने यहां से इसके अंदर रखना है। इनको क्या बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और हर्मेफ्रोडाइट्स। एनिमल की अगर बात करें एनिमल से स्पेशल टर्म यूज करते हैं, तो यह है सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है वो हम इसके अंदर शुरू इसी का जो पार्ट है, अगर आप गैमेट की बात करें, गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टूडेंट्स जो अपना सेल डिवीजन किस प्रकार से हो सकती है, जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन जो होती है वो किस प्रकार से इसके अंदर हो सकती है। तो सेल डिवीजन जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली हमने 11th के अंदर दो टाइप की पढ़ी थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन कौन सी? माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है वो जनरली आपको बताया था हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म में अंदर भी होती है और डिप्लोइड के अंदर भी होती है। मियोसिस ऑनली किसके अंदर होती है? डिप्लोइड के अंदर होती है। माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें आपने ऑर्गेनिज्म को देखते ही वैसे पता लग जाएगा भी अगर प्लांट बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो अगर हैप्लोइड है, वो अगर क्या है हैप्लोइड है, तो उसमें एक ही कंडीशन बनती है सिर्फ क्या हो सकती है उसके अंदर माइटोसिस हो सकती है। डिप्लोइड है तो सोचना पड़ेगा अगर हैप्लोइड है तो सिर्फ क्या उसके अंदर माइटोसिस होती है, और जनरली जो डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होती है मियोसिस होती है। तो आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको टॉपिक को थोड़ा सा कट कर रहा हूं आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके द्वारा बता दूंगा। आपने क्या करना है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म माइटोसिस करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मियोसिस करते हैं, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, आप और भी जाकर उसके अंदर देख सकते हो अलग अलग। जैसे आप देखोगे प्लांट किंगडम के जो शुरू के हैं वो क्या होते हैं हैप्लोइडिक प्लांट बॉडी वाले होते हैं, तो वो कौन सी करेंगे माइटोसिस करेंगे, और जो पीछे वाले होते हैं वो क्या होते हैं डिप्लोइडिक प्लांट बॉडी के होते हैं, तो वो क्या करेंगे मियोसिस करेंगे। इसके बारे में आपने थोड़ा सा स्टडी करना है। सेल डिवीजन कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस होती है, कुछ में क्या होती है मियोसिस होती है। जिनमें हैप्लोइडिक प्लांट बॉडी है, हैप्लोइडिक है, वो क्या है माइटोसिस करेंगे, और जिनके अंदर डिप्लोइड है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी करेंगे मियोसिस से करेंगे। तो ये सेल डिवीजन माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है, दोनों सेल डिवीजन यहाँ पे हो सकती है, पर आपको देखना पड़ेगा प्लांट बॉडी है वो हैप्लोइड है या डिप्लोइड है। हैप्लोइड है तो क्या होगी माइटोसिस, और अगर डिप्लोइड है तो क्या होगी यहाँ पे मियोसिस। तो इसके एग्जाम्पल आज मैं आपके नहीं बता रहा, वैसे मैंने बता दिया प्लांट के शुरू वाले और लास्ट वाले नाम आपने याद करने, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं दोबारा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर जो मीन मेल गैमेट है या जो गैमेट है वो एक दूसरे के पास फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचेंगे कैसे? तो जनरली आपने एक चीज देखी होगी मेल गैमेट मोटाइल होता है, मेल गैमेट क्या होता है मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट क्या होता है मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है नॉन मोटाइल होता है। मेल गैमेट जो है उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो लार्ज नंबर में होती है, क्या होती है फॉर्मेशन उसकी क्या होती है लार्ज नंबर में होती है, मिलियंस थाउजेंड्स इसमें होती है, और ये बड़े कम होते हैं एक दो चार इस प्रकार से फॉर्मेशन की होती है। इसका भी एक रीजन होता है वो हमें स्टडी करें। मोटाइल है तो आप इतना समझ गए होंगे मेल गैमेट को जाना पड़ेगा फीमेल गैमेट के पास, उसको जाना पड़ेगा रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल है, यहाँ पे रेयर केसेस में हो सकता है पर ज्यादा भी क्या होगा मेल गैमेट ही मोटाइल होता है, तो यहाँ पे इसको पहुंचना पड़ेगा।
इसी कारण क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचना, इसी कारण इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, लार्ज नंबर में होती है। क्योंकि अभी ट्रांसफर होता कैसे, मान लो वाटर वाला ऑर्गेनिज्म है तो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगी, वैसे है तो एयर के थ्रू, या अलग अलग जो एनिमल्स है या अलग अलग जो एजेंसीज के थ्रू, या जिसको आप पॉलिनेशन बोलते हैं, प्लांट के अंदर एक क्रम आती है पोलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें अलग अलग एजेंसीज होती है। जब इनके थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक जाएगा तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मतलब सारे थोड़ी पहुंच जाएंगे वहां तक, अगर एक जा रहा है तो वो तो पहुंचेगा, कोई गारंटी तो नहीं है वो एक पहुंच सकता है, इसलिए थाउजेंड्स मिलियंस वहां से निकलते हैं वो फीमेल गैमेट की ओर, मतलब एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, तो वो उनमें से एक या दो पहुंच जाते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। अगर मेल गैमेट भी एक ही रिलीज होगा तो कोई जरूरी नहीं है फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। इसी का ये रीजन है मेल गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है ह्यूमन के अंदर, देखा होगा एक ही जनरेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, या प्लांट के अंदर भी पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं, पूरा का पूरा जो आपने जो मेल वाला पार्ट होता है एंथर के अंदर मेल गैमेट पूरा भरा होता है, और बहुत सारे थाउजेंड मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन वहां पे रिलीज होते हैं। उसका रीजन ये है, तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं या एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती है, वो सारे जब रिलीज होंगे उनमें से ही पॉसिबिलिटी पहुंचने की होगी एक या दो की, अगर एक ही रिलीज हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए फॉर्मेशन की लार्ज नंबर में होती है। तो गैमेट ट्रांसफर इन एजेंसीज के थ्रू प्लांट के अंदर बात करें तो होती है, एनिमल के अंदर तो चलो डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल कोपुलेशन, इन्हीं के अंदर ये एजेंसीज होती है गैमेट ट्रांसफर की। फीमेल गैमेट का साइज भी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बड़ा होता है, मेल गैमेट का साइज छोटा होता है, इसका रीजन भी बताया था, ये जो फीमेल गैमेट में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स ज्यादा स्टोर होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद के लगभग प्रोसेस सारे फीमेल गैमेट वाले न्यूट्रिएंट्स से ही होते हैं। और ये मैंने आज और इसके अंदर एड किया है गैमेट ट्रांसफर में, गैमेट ट्रांसफर जो है वो अलग अलग एजेंसीज वाटर में वाले होते हैं, वाटर के थ्रू एयर एनिमल से अलग अलग एजेंसीज के थ्रू ये होते हैं। मेल गैमेट के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू वो जाता है, तो उसको पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं पहुंचेगा, अगर एक होगा तो और मिलियंस होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है भी एक तो पहुंच ही जाएगा वहां तक, फीमेल गैमेट की ओर फर्टिलाइजेशन होगी और जो अपना जो जनरेशन है वो बनी रहेगी, इसलिए गैमेट ट्रांसफर के प्रोसेस में या जो फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट की वो ज्यादा होती है, इन पे भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये पूरा जो टॉपिक मैंने आज करवाया है ये अच्छे से स्टडी करना है, इसके बारे में कोई भी क्वेरीज होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको डाउट क्लास के अंदर या आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।